नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी जग चुका है। बोला गया है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जून और जुलाई महीने में ही हम 11,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे। और जैसा देखा जाए अभी रिसेंट के रवैये में, तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद से जूनियर असिस्टेंट का पिछले वाले का आपका सिलेबस निकाला गया, और अभी 2022 के तहत पीटी 2022 के तहत एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई। मतलब पीटी 2022 से दो वैकेंसी हमें देखने को मिल चुकी है। पूरा साल कंप्लीट होने वाला था तो अंत में जाके जल्दी जल्दी, अब क्योंकि इनको पीटी 2023 कराना है तो 22 से कुछ तो वैकेंसी देना ही चाहिए था, इसीलिए 2022 से रिलेटेड दो वैकेंसी इन्होंने दे दिया है। अब क्लियर हो ना हो, वो दो साल में हो चार साल में, उससे कोई मतलब नहीं। दिए तो कहना तो हो जाएगा 21 से मैंने ये कराया, 22 से इतनी वैकेंसियां कराए। तो इसी क्रम में बोला गया है कि 11,000 पद आपको जून जुलाई में देखने को मिलेंगे पीटी 2022 से। कौन कौन से पद होंगे? एक कनिष्ठ सहायक के 5,000 से ऊपर पद आने की संभावना है, जो अभी 1200 आई थी 21 वाले से, इस वाले में 5,000 आने वाला है। उसके बाद से कृषि प्रविधिक सहायक एजीटीए के 3466 प्लस पद आने वाले हैं इसमें, और स्वास्थ्य विभाग से 1000 प्लस पद आने वाले हैं, और आपके परिवर्तन सिपाही 800 प्लस पद इसमें आने वाले हैं। देखिए, इसका एक न्यूज कटिंग है आपका, यहां पर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये जून और जुलाई के बीच में ही बोले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है जल्द शुरू होगी 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक शुरू ना हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। जून जुलाई में युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर, पीईटी 2022 के आधार पर होगी भर्ती, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जल्द जारी करेगा भर्ती का विज्ञापन। अभी हम बात करें कि युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों में करीब 11,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ये आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ। उसके बाद से बोला जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आयोग की ओर से पीटी 2022 के आधार पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया कनिष्ठ सहायक के पद पर की जानी है। हाल ही में विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया जारी की गई, जो पीटी 2021 से आई थी। उसके बाद से इसी क्रम में जून में आयोग विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के लगभग 5,000 पदों के लिए और विज्ञापन जारी करेगा इसके बाद। ठीक है, उसके बाद से पीटी 2022 के आधार पर कृषि प्रविधिक के 3466 पदों का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। जुलाई में गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा होगी। अब यहां पर बोल दिया गया है कि आपकी परीक्षा कब होगी? जुलाई में होगी। किसका? गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा होगी। मुख्य सेविका की अर्हता स्पष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इसके साथ ही कई विभागों में सर्वे या मानचित्रकार की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार भी जून जुलाई में शुरू होगा। मतलब डायरेक्ट आपका इंटरव्यू भी किसी पोस्ट के लिए होगा, और जून जुलाई में ही स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी के लगभग 1,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच अबकारी परिवहन विभाग के लिए प्रवर्तन सिपाही के 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है। साथ ही पहले से चल रही भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आंगनबाड़ी की भी आएगी, लेकिन कितना आएगी इसके बारे में नहीं बोला गया है, अभी वो चल रहा है। बाकी जिसके बारे में बोला गया है कि स्वास्थ्य विभाग में 1,000 पद, उसके बाद से अबकारी और परिवहन विभाग के लिए प्रवर्तन सिपाही के 800 पद, और यहां पर जुलाई में जो मुख्य सेविका वाले बच्चे हैं बोल रहे थे कि हमारा एग्जाम कब होगा, तो ये ध्यान रखिए मुख्य सेविका का एग्जाम जो है बोला जा चुका है कि आपका कब होगा, जुलाई में कंडक्ट कराने के लिए बोला जा रहा है। कब? जुलाई में कंडक्ट कराने, बोला ना जुलाई में गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन कैसे कराएंगे? आखिर जून में अभी तक आप शॉर्टलिस्टिंग नहीं जारी किए हैं, तो या तो शॉर्टलिस्टिंग आपकी कब जारी हो जाए? शॉर्टलिस्टिंग जून में जारी हो जाने की संभावना है मुख्य सेविका की। तो ये जैसा अभी नोटिस आया है, इसके कगार पर मुख्य सेविका वाले एकदम एक्टिव हो जाएं।
जुलाई में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और जून तक आपका बोला जाए मिडिल जून तक, मिडिल या 20-22 जून तक आपके हो सकता है कि आपका कट ऑफ देखने को मिल जाए, शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया देखने को मिल जाए, क्योंकि जो आहारता से दिक्कत चल रही थी उसको स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे ये चीजें हो जाएंगी तो जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा जैसा आयोग के द्वारा बोला गया है। तो जितने भी मुख्य सेविकाएं हैं वो अपनी तैयारी को धार दे दें। जो आप लोग सोच रहे थे कि कब एग्जाम होगा, तो अब स्टार्ट हो जाइए, रिवीजन करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित है, हो सकता है कि आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा सकता, ये एक आयोग के द्वारा सूचना दी गई है। चलिए, और कोई दिक्कत कोई समस्या है आपको तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, उस समस्या का हम जरूर आपका निदान करेंगे। जितने भी मुख्य सेविका वाले हैं, मुख्य सेविका का बैच चलाया जा रहा था और वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका, अब उसकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की कर दी जाएंगी, तो आप सभी लोग एक्टिवेट हो जाइए और रिवीजन क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चलेगी। और संडे को अभी आपकी चलती थी, अब सप्ताह में आपको उसका शेड्यूल दे दिया जाएगा कब कब चलेगा। आप परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर मुख्य सेविका की जो फ्री क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, वो आपको बता दिया जाएगा कि सप्ताह में कौन कौन से दिन आपकी मुख्य सेविका की क्लासेस चलेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।